आंदोलन हुआ था, 8 लोग की मौत हुई थी, उस पर क्या कहना? देखो दुखद घटना थी, एक हादसा है वो और सरेआम हुआ है, तो एक साल उस चीज को हो गया, उसमें 8 लोगों की हत्याएं के दोषी है, ये 8 लोगों की हत्याएं उसमें हुई, तो पूरा दोष वो मंत्री परिवार को जाता है। यहाँ पे उन परिवारों से आप मिल रहे हैं आज, जो वकील है उनसे मिले, और हर साल ये प्रोग्राम होते रहे जब तक उनको न्याय नहीं मिला था। क्या हम तो जारी नहीं, 26 नवंबर के फिर हमारे प्रोग्राम है पूरे देश भर, हर प्रदेश की राजधानी से, तो उसमें भी ये डिमांड नोट में लखीमपुर खीरी कांड है, तो जो भी डिमांड नोट जाएगा उसमें लखीमपुर खीरी का जिक्र जरूर होगा। अमूली बुरुआ भी आपको जाना था, वहाँ पे वो परिवार उनका चला गया था, वो ये बताया कि लखीमपुर चले गए, आज कोर्ट 9 बजे खुलेगी लखीमपुर, यहाँ पे आज बहुत लोग आ गए तो वहाँ पे ना जाना चाहते हैं। आंदोलन हुआ था, 8 लोग की मौत हुई थी, उस पर क्या कहना? देखो दुखद घटना थी, एक हादसा है वो और सरेआम हुआ है, तो एक साल उस चीज को हो गया, उसमें 8 लोगों की हत्याएं के दोषी है, ये 8 लोगों की हत्याएं उसमें हुई, तो पूरा दोष वो मंत्री परिवार को जाता है। यहाँ पे उन परिवारों से आप मिल रहे हैं आज, जो वकील है उनसे मिले, और हर साल ये प्रोग्राम होते रहे जब तक उनको न्याय नहीं मिला था। क्या हम तो जारी नहीं, 26 नवंबर के फिर हमारे प्रोग्राम है पूरे देश भर, हर प्रदेश की राजधानी से, तो उसमें भी ये डिमांड नोट में लखीमपुर खीरी कांड है, तो जो भी डिमांड नोट जाएगा उसमें लखीमपुर खीरी का जिक्र जरूर होगा। अमूली बुरुआ भी आपको जाना था, वहाँ पे वो परिवार उनका चला गया था, वो ये बताया कि लखीमपुर चले गए, आज कोर्ट 9 बजे खुलेगी लखीमपुर, यहाँ पे आज बहुत लोग आ गए तो वहाँ पे ना जाना चाहते हैं। आंदोलन हुआ था, 8 लोग की मौत हुई, उस पर क्या कहना? देखो दुखद घटना थी, एक हादसा है वो और सरेआम हुआ है, तो एक साल उस चीज को हो गया, उसमें 8 लोगों की हत्याएं के दोषी है, ये 8 लोगों की हत्याएं उसमें हुई।